साथियों, हमारे देश में अब तक 11 प्रधानमंत्री हुए हैं और नरेंद्र मोदी जी 12वें प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके कार्यकाल में नौकरी विनाश हुआ है। हर एक प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कुछ ना कुछ नौकरी निर्माण होता रहा है, पर पहली बार हमारे देश के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में, नौकरी निर्माण नहीं, नौकरी विनाश हुआ है। और इतिहास नरेंद्र मोदी को नौकरी विनाश प्रधानमंत्री के नाम से पुकारेगा। पिछले साल 2018 में, एक ही साल में, जो आंकड़े मुंबई की संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा प्राप्त हुआ है, एक ही साल में 1 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। नोटबंदी और जीएसटी के बाद 1 करोड़ नौकरियां समाप्त हो गए हैं। ये नौकरी विनाश नहीं है तो और क्या है? और आज सुबह प्रधानमंत्री टीवी में कहते हैं कि विपक्ष को कोई हक नहीं है गाली देने का, तो प्रधानमंत्री को भी हक नहीं है झूठ बोलने का। बार बार कहते हैं कि मेरे कार्यकाल में रिकॉर्ड रोजगार उत्पादन हुआ है, और मैं एक दो बयान आपको बताऊंगा। प्रधानमंत्री के शब्द, उन्होंने कहा है कि पहले कभी भी इतनी नौकरी निर्माण नहीं हुआ है जितना कि पहले पिछले 5 साल में हुआ है। पर पहली बात यह है कि 2018 में 1 करोड़ नौकरी समाप्त हुआ अलग अलग क्षेत्रों में, और इसका एक ही कारण है, नोटबंदी और जीएसटी में जल्दबाजी। नोटबंदी और जीएसटी के जल्दबाजी के कारण 2018 में 1 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कुछ 4-5 महीने पहले 16 नवंबर 2018 को प्रधानमंत्री ग्वालियर में थे, और ग्वालियर में उन्होंने ये कहा कि आज हमारे देश में नौजवान यहां वहां भटकते नहीं हैं, देश के नौजवान बेरोजगार नहीं हैं, आज हमारे नौजवान अपने ही पैर पर खड़े हुए हैं, और मुद्रा के वजह से, मुद्रा परियोजना के वजह से हर नौजवान 2 या 4 या 5 व्यक्तियों को रोजगार देता। ये मेरे शब्द नहीं है, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। 16 नवंबर 2018 को उन्होंने ग्वालियर में ये कहा, और खास तौर से मुद्रा के बारे में उन्होंने जिक्र किया। 24 नवंबर 2018 को मध्य प्रदेश के छतरपुर में प्रधानमंत्री ने एक बार फिर ये बात दोहराई और कहा कि आज देश में 25 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनको मुद्रा परियोजना से सहायता मिला। यानी कि प्रधानमंत्री बार बार ये दावा करते हैं कि बेरोजगारी समाप्त करने के लिए जादू की छड़ी उनके हाथ में मुद्रा है, पर
मुद्रा के बावजूद 2018 में 1 करोड़ लोग बेरोजगार हुए नोटबंदी और जीएसटी की जल्दबाजी के कारण। और मुद्रा की हकीकत क्या है ये देखने लायक है। 90% मुद्रा से जो सहायता जाता है, जो एवरेज लोन साइज है 25,000 रुपया है, 90% सारे मुद्रा परियोजना में 90% सहायता लोन 25,000 व्यक्ति लेता है। 25,000 में क्या रोजगार आप खड़े करेंगे, कितने लोगों को आप रोजगार देंगे, यह प्रधानमंत्री ही जाने। प्रधानमंत्री की अर्थशास्त्री की विद्या अनोखी है। अगर 25,000 रुपये में से एक व्यक्ति 3-4 लोगों को रोजगार दे सकता है तो यह करिश्मा है, पर यह बिल्कुल बेबुनियाद है, इसकी कोई सच्चाई नहीं है इसमें। 90%, और यह मेरे आंकड़े नहीं है, यह सरकारी आंकड़े हैं, सरकार के आंकड़े हैं, नीति आयोग के आंकड़े हैं। मुद्रा परियोजना में 3 तरह के लोन होते हैं, शिशु, किशोर और तरुण। नाम देने में इनका कोई मुकाबला नहीं। शिशु, किशोर और तरुण, रोजगार पैदा करता है तरुण और किशोर, पर लोन दिया जा रहा है शिशु को। 90% शिशु और मुश्किल से 10% किशोर और तरुण। किशोर लोन का भाग मात्र 2% है। जो रोजगार निर्माण करने वाले हैं वो तरुण की कैटेगरी में आते हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं, ये मोदी सरकार के आंकड़े हैं, ये नीति आयोग के आंकड़े हैं, ये एमएसएमई मंत्रालय के आंकड़े हैं। अगर इस आंकड़े के आधार पर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मुद्रा से रोजगार की क्रांति आई है हमारे देश में, इससे बड़ा झूठ मैंने कहीं नहीं सुना। तीसरी बात, बड़े धूमधाम तरीके से 2015 में वित्त मंत्री ने मुद्रा की घोषणा की, और जब उन्होंने बजट में घोषणा की उन्होंने ये कहा कि मुद्रा एक रीफाइनेंस संस्था होगा, यानी कि मुद्रा सीधे व्यक्तियों को लोन नहीं देगा, मुद्रा वित्तीय संस्थाओं को देगा, और वो वित्तीय संस्था बैंक हो या और कोई संस्था हो ब्याज का दर घटाएगा, सब्सिडी देगा, और वो सब्सिडी मुद्रा से आएगा। ये मुद्रा का जो पहले प्रारंभिक उद्देश्य यह था कि मुद्रा एक रीफाइनेंस संस्था होगा, सबने उसका स्वागत किया। और देखिए ये खेल जो प्रधानमंत्री बार बार दिखाते हैं, मुद्रा की परिभाषा उन्होंने बदली, और जो पिछले कई सालों से एमएसएमई सेक्टर को सहायता दिया जाता था उसको मुद्रा के परिभाषा के अंदर शामिल कर दिया। तो अभी एमएसएमई में जो 10, 15, 20 साल से अलग अलग बैंकों से, अलग अलग संस्थाओं से जो सहायता दिया जाता था लघु उद्योग को, सूक्ष्म उद्योग को, मध्यम उद्योग को, सब मुद्रा के परिभाषा के अंदर शामिल हो गए। तो 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ मुद्रा के आंकड़े आने लगे। पर सच्चाई क्या है कि ये पहले से ही जो सहायता दिया जाता था अब वो मुद्रा के परिभाषा में शामिल किया गया, और प्रधानमंत्री को
ये जानकारी होगी, पर उन्होंने इस बात पर कोई कहा नहीं है, कुछ टिप्पणी नहीं की उन्होंने कि अगर आप यूपीए के कार्यकाल में देखें, और ये नीति आयोग के आंकड़े हैं, एमएसएमई को हर साल करीब 13% जो सहायता दिया जाता था, हर साल 13% वृद्धि हुआ करती थी यूपीए के कार्यकाल में, और आज वो 13% से घटकर पिछले 5 सालों में 7% हुआ है, यानी कि आधा हुआ है, वृद्धि का दर आधा हुआ है पिछले 5 सालों में। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि रोजगार की क्रांति आई है और इसका एक मुख्य कारण मुद्रा है। 10 अगस्त 2018 को वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री संसद में एक सवाल का जवाब देते हैं। सवाल था कि क्या वित्त मंत्री बता सकते हैं कि मुद्रा के कारण कितने रोजगार निर्माण हुआ है हमारे देश में। वास्तविक है, सब लोग जानकारी जानना चाहते हैं कि मुद्रा के बार बार प्रधानमंत्री बात करते हैं तो कितना रोजगार उत्पादन हुआ है, और वित्त मंत्री, ये उनके ब्लॉग में नहीं मिलेगा क्योंकि आजकल वित्त मंत्री सिर्फ ब्लॉग लिखते हैं, उन्होंने सवाल का जवाब यह दिया पार्लियामेंट में कि डेटा ऑन जॉब्स जेनरेटेड अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इज नॉट मेंटेन्ड सेंट्रली। वित्त मंत्री कहते हैं कि कोई जानकारी नहीं है, कोई आंकड़े नहीं है केंद्र सरकार के पास प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कितने लोगों को सहायता मिला और उस सहायता से कितने रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए। यह वित्त मंत्री कहते हैं, और प्रधानमंत्री कहते हैं मुद्रा से करोड़ों लोगों को काम मिला है और इस सहायता से 2-4 व्यक्ति, हर लोन से 2-4-5 व्यक्ति को रोजगार मिलता है। इससे बड़ा फ्रॉड हो नहीं सकता। ये धोखेबाजी की गंगोत्री है। ये एक प्रधानमंत्री जो नौकरी विनाश प्रधानमंत्री हैं, अब दावा करते हैं कि मैंने रोजगार की क्रांति लाई है और मुद्रा से बेरोजगार नौजवान दूसरे नौजवान को रोजगार दे रहे हैं। ये कॉमेडी का है, मैं और ये और कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं, और ये मेक इन इंडिया आंकड़े नहीं है, मैन्युफैक्चर्ड आंकड़े नहीं है, ये आंकड़े सरकारी आंकड़े हैं, नीति आयोग के आंकड़े हैं, मोदी सरकार के आंकड़े हैं। 2019 के चुनाव में सबसे अहम मुद्दा बेरोजगारी का है। कुछ भी प्रयत्न करें, अगर हमारे देश में एक सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है बेरोजगारी पर, आप अलग अलग सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए, सीमा पर, ऊपर, ब्रह्मांड में, कभी भी, उसका वो अलग बात है, पर जो जमीन पर हकीकत है बेरोजगारी, उस पर तो आपने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया, हालांकि आपने रोजगार पर सर्जिकल स्ट्राइक किया 2018 में। नोटबंदी एक सर्जिकल स्ट्राइक था, जीएसटी जल्दबाजी एक सर्जिकल स्ट्राइक था, और इस सर्जिकल स्ट्राइक से 1 करोड़ लोग पीड़ित हुए हैं हमारे देश में। तो 2019 के चुनाव में
किसान की पीड़ा, खेत मजदूरों की पीड़ा और युवाओं को बेरोजगारी से पीड़ा, यही तो मुख्य मुद्दे हैं और इससे बार बार हटना चाहते हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि वो जानते हैं कि नौकरी विनाश प्रधानमंत्री अगर देश के सामने वो दिखाई देता है तो उनको 2019 में वापस जनादेश मिलना असंभव है। नाटकबाजी ड्रामाबाजी कुछ भी कर सकते हैं, अपने चहीते टेलीविजन चैनल में इंटरव्यू दे सकते हैं, पर हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है? और मैंने पहले कहा है, एक बार फिर कहूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री को एक बार दोहराने की भी आदत है तो मैं भी उनसे कुछ सीख रहा हूं। ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो गलती से भी सच नहीं बोल सकते, और जो इन्होंने रोजगार स्थिति पर आज सुबह कहा है अपने टेलीविजन चैनल में, टेलीविजन चैनल भी उन्हीं का है जो उन्होंने कहा है, और उन्होंने कहा है, जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है कि विपक्ष को हक नहीं है गाली देने का, गाली देने के उस्ताद तो प्रधानमंत्री हैं, वो तो गाली के जगत गुरु हैं, और हमें उपदेश देते हैं कि गाली मत दीजिए, गाली मत दीजिए। हम गाली नहीं दे रहे हैं जगत गुरु जी, हम आप ही के आंकड़े के आधार पर कह रहे हैं कि आप भारत के पहले नौकरी विनाश प्रधानमंत्री हैं, और 2019 में लोग ये समझ जाएंगे, और यही सबसे बड़ा मुद्दा होगा, है और रहेगा। ओके, हाँ जी, सवाल पूछे, विषय से संबंधित सवाल है। एक मिनट, में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने रोजगार गारंटी कानून बनाया, और हमारे देश में पहली बार असली क्रांति वो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून था, जिसके तहत पिछले 13 सालों से वो परियोजनाएं चल रही हैं, जो हमारे कांग्रेस अध्यक्ष ने घोषणा की है न्याय का, वो एक तरह से आमदनी की गारंटी है। हमने रोजगार का गारंटी दिया, अभी हम सबसे गरीब परिवारों को आमदनी की गारंटी दे रहे हैं, और इसका डिटेल जब हमारा मैनिफेस्टो निकलेगा 2 तारीख को, वो आपको उसमें मिलेगा। ये सोच कर, जैसा कि मैंने कहा, यूपीए के समय सूचना की गारंटी कानून हम लाए, रोजगार की गारंटी कानून हम लाए, वन अधिकार, जो लोग जंगल में रहते हैं उनको पट्टा देने की गारंटी का कानून हमने बनाया, तो अलग अलग खाद्य सुरक्षा कानून, वो गारंटी, फूड सिक्योरिटी एक्ट भी गारंटी था,
उसी श्रृंखला में न्याय है, वो एक तरह से आमदनी की गारंटी है सबसे गरीब परिवारों के लिए। पहले से विषय पे ले, इसी से संबंधित विषय से संबंधित वो बाद में बात करेंगे यार, इससे संबंधित इनसे पूछिए। गारंटी 100 दिन का है और हमारा अनुभव रहा है कि 8 से 10% परिवारों को 100 दिन का गारंटी रोजगार गारंटी मिलता है, औसत की ओर से 45 से 50 दिन होते हैं। तो कहने के लिए तो आप कुछ भी कह सकते हैं, 370 दिन भी आप कह सकते हैं हम गारंटी देंगे। तो मैंने कहने में कोई जो मैं हमारा जो अनुभव रहा है कि मुश्किल से 8 से 10% परिवारों को, गरीब परिवारों को महात्मा गांधी नरेगा से 100 दिन का रोजगार मिलता है। पर आज भी भूखे ग्रस्त इलाकों में जहाँ पीड़ित इलाके हैं वहाँ रोजगार हमारे सरकार ने 2012 में उस 100 दिन को 150 दिन बनाया था। आज भी ड्राउट अफेक्टेड एरिया, फ्लड अफेक्टेड एरिया, यहाँ 150 दिन की गारंटी दी जाती है, रोजगार गारंटी। वहाँ भी मुश्किल से लोग 60 या 70 दिन का रोजगार गारंटी लेते हैं। तो कहने के लिए तो तृणमूल और सीपीआई कुछ भी कह सकते हैं। हम पहले हमें 100 दिन पूरा होना चाहिए ना। अभी मुश्किल से मैंने आपको कहा 8 से 10% गरीब परिवारों को 100 दिन का रोजगार गारंटी मिलता है। हमारे 10 साल में कोई इसको इनकार नहीं कर सकता, अभी साबित हो चुका है कि 2004 और 2014 के बीच 14 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर उठा गए। 14 करोड़, ये आंकड़े ये किसी ने इनकारा नहीं है, ये नीति आयोग ने भी इसको इनकारा नहीं है, प्रधानमंत्री ने भी इनकारा नहीं है, वित्त मंत्री ने अपने ब्लॉग में इनकारा नहीं है। 14 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर उठाए गए हैं अलग अलग कार्यक्रमों के कारण। आज सुबह आपने ये बात कही डेटा के बारे में, आज सुबह प्रधानमंत्री कहते हैं डेटा है कहां। प्रधानमंत्री 2 साल पहले नीति आयोग के पूर्वाध्यक्ष अरविंद पनगरिया के नेतृत्व में उन्होंने एक समिति बिठाई कि उन्होंने उनसे कहा आप ये रोजगार के सब डेटा को साफ करो और मुझे एक नया सिस्टम दो। उस समिति की रिपोर्ट आज तक आई नहीं है। जो कोई रिपोर्ट आता है वो दबाते हैं। नीति आयोग को कहा गया था कि आप मुद्रा से कितने रोजगार निर्माण हुए हैं वो जानकारी जनता के सामने लाओ, वो कुछ निकला नहीं तो वो दबा के रखे हैं। हमने कोई रिपोर्ट नहीं दबाया हमारे समय पर, मोदी सरकार रोजगार के संबंध में 3 रिपोर्ट, 1 नहीं 2 नहीं 3 रिपोर्ट दबाकर बैठी हुई है। और जब हमारी सरकार आएगी
वो जो तीन रिपोर्ट है उसको हम पब्लिक में डालेंगे ताकि लोग जाने नोटबंदी और जल्दबाजी में जीएसटी का क्या असर हुआ है। ये हमने ये आरटीआई और महात्मा गांधी चुनाव के नजरिए से नहीं बनाया था, हमने बनाया था क्योंकि मांग थी, लोगों की मांग थी, और हमने हमारे घोषणा पत्र में भी इसको शामिल किया था, बाद में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में भी हमने शामिल किया था। तो ये कहना आपने ये सब किया पर वो चुनाव हार गए, ये अलग बात है, चुनाव जीतना हारना अलग कारण होते हैं। अगर वीवीपैट होता हम चुनाव नहीं हारते। अभी हो गया ना इसके बारे में, व्हाट इज द क्वेश्चन? हमारे अध्यक्ष ने कुछ उसका जिक्र किया है कि हमारे घोषणा पत्र में रोजगार के बारे में हम क्या कहने वाले हैं, उसका कुछ एडवांस आपको जानकारी दी है, विस्तृत में घोषणा पत्र में होगा। पर मैं आपको ये बता दूं कि कांग्रेस के लिए दो सबसे बड़े मुद्दे जो हैं जिसको प्राथमिकता दी जाएगी, एक तो रोजगार और दूसरी किसान और खेत मजदूर की पीड़ा, यही दो हैं, रोजगार और किसान और खेत मजदूर की पीड़ा। और इस पर हमारे घोषणा पत्र में काफी विस्तार से चर्चा हुआ है और 2 तारीख तक आप इंतजार कीजिए। हो गया ना, इससे तो कुछ जुड़ा हुआ नहीं है ना, अलग से कर मुद्रा मुद्रा मुद्रा।